साथियों, आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मैं मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की बहुत बात करता हूं। ये दोनों अभियान भी आप जैसे युवाओं के लिए है। ये दोनों अभियान भारत के युवाओं को रोजगार के नए अवसर दे रहे हैं। सरकार के प्रयासों से बीते 10 वर्षों में भारत की डिजिटल इकोनॉमी हमारी युवा शक्ति की नई ताकत बनेगी, हमारी युवा शक्ति की नई पहचान बनेगी। भारत भी अग्रणी डिजिटल इकोनॉमी बन सकता है। दशक भर पहले तक ये सोचना भी मुश्किल था। सामान्य बातचीत में स्टार्टअप्स का नाम ही नहीं आता था। आज भारत दुनिया का तीसरा बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। आज बच्चा बच्चा स्टार्टअप की बात करता है, यूनिकॉर्न की बात करता है। आज भारत में 1.25 लाख से अधिक रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से अधिक यूनिकॉर्न्स हैं। इनमें लाखों युवा क्वालिटी जॉब कर रहे हैं। इन स्टार्टअप्स में भी अधिकतर को डिजिटल इंडिया का सीधा लाभ मिल रहा है। दशक भर पहले जहां हम 2G 3G के लिए ही संघर्ष कर रहे थे, आज गांव गांव तक 5G पहुंचने लगा है। गांव गांव तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचने लगा है। साथियों, जब हम अपने ज्यादातर मोबाइल फोन विदेशों से इंपोर्ट करते थे तो वो इतने महंगे होते थे कि उस समय के अधिकतर युवा उसे अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे। आज भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन निर्माता और दूसरा बड़ा एक्सपोर्टर भी है। इससे आपका मोबाइल फोन सस्ता हुआ है, लेकिन आप भी जानते हैं कि फोन का महत्व बिना डेटा के कुछ नहीं है। हमने ऐसी नीतियां बनाई कि आज भारत दुनिया में सबसे सस्ता डेटा उपलब्ध कराने वाले देशों में से एक है। साथियों, आज जो देश में ई कॉमर्स, ई शॉपिंग, होम डिलीवरी, ऑनलाइन एजुकेशन, रिमोट हेल्थ केयर का कारोबार बढ़ रहा है, वो ऐसे ही नहीं हुआ है। बीते 10 वर्षों में भारत में आई इस डिजिटल क्रांति का सबसे अधिक लाभ युवा क्रिएटिविटी को हुआ है। आप देखिए, आज भारत में डिजिटल कंटेंट क्रिएशन का कितना विस्तार हुआ है। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन चुकी है। बीते 10 वर्षों में गांव गांव में 5 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर बने हैं। इनमें लाखों नौजवान काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक उदाहरण हैं जो बताते हैं कि डिजिटल इंडिया कैसे सुविधा और रोजगार दोनों को बल दे रहा है।